हेलो गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जी एन पिल टावर आया था। वहाँ पर वो पिल टावर के तीन लीडरों में से एक लीडर कोंगजी से मिला था। उनसे मिलकर जी एन को पता चला था कि वो मास्टर याओचेन के काफ़ी पुराने दोस्त हैं। कोंगजी जी एन को उनके और मास्टर याओलाओ की दोस्ती के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं और ये भी कहते हैं कि जब मास्टर याओलाओ को पिल टावर का एक लीडर बनने का ऑफ़र मिला था तब उन्हें लीडर बन जाना चाहिए था। अगर उस टाइम पर वो लीडर बन जाते तो हॉल ऑफ सोल उन पर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करता। अब आगे कोंगजी कहते हैं, जी एन, बहुत से लोगों को ये लगता है कि पिल टावर की पावर हॉल ऑफ सोल के बराबर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉल ऑफ सोल पिल टावर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पीछे है हॉल ऑफ सोल का बैकग्राउंड। हॉल ऑफ सोल के बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। उनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि पिल टावर भी चाहते हुए भी उनसे पंगा नहीं ले पाता है। अगर पिल टावर में इतनी पावर होती कि वो उनसे पंगा ले सके तो अब तक कब का हम हॉल ऑफ सोल को ख़त्म कर चुके होते, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हर साल हॉल ऑफ सोल हमारे हज़ारों एल्किमिस्टों को कैद कर लेता है, पर उसके बैकग्राउंड की वजह से हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये बात सुनकर डीएन भी चौंक जाता है। उसे नहीं लगा था कि हॉल ऑफ सोल का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके मन में सवाल तो आता है कि आखिर हॉल ऑफ सोल का बैकग्राउंड क्या है, पर वो अभी के लिए कोंगजी से इस बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि वो जानता था अगर वो पूछेगा भी तो कोंगजी अभी के लिए उसे इस बारे में नहीं बताएंगे। कोंगजी डीएन से कहते हैं, डीएन, भले ही अभी के लिए हम हॉल ऑफ सोल से पंगा नहीं ले सकते हैं, पर याओचेन मेरा पुराना दोस्त है, ऐसे में उसे बचाने में मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं अभी कुछ लोगों को काम पर लगाता हूँ ताकि हम जल्द से जल्द याओचेन की करंट लोकेशन का पता लगा सकें और उसे जाकर बचा सकें। यह बात सुनकर जीएन भी जल्दी से हाँ में से रिला देता है। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे तभी उस हॉल में तीन लोग आ जाते हैं, जिनमें से दो को जीएन अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो दोनों थी डैनचेन और काउइंग। उनके साथ एक लड़का भी था जो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था और उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। साथ ही साथ उसके चेस्ट पे रैंक 7 के हाई ग्रेड एल्केमिस्ट का बैज लगा हुआ था जो उसकी काबिलियत बता रहा था। जीएन थोड़ी देर तक तो उस लड़के को ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो अपनी नज़रें उससे हटा लेता है। इधर वो तीनों जल्दी से कोंगजी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों जल्दी से लीडर कोंगजी को ग्रीट करते हैं। इस पर कोंगजी जीएन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम तीनों इससे मिलो, यह है जीएन और तुम लोगों ने शायद इसके बारे में सुना ही होगा। ये बात सुनकर काविंग आगे आकर कहती है, हमने आखिर कैसे जीएन के बारे में नहीं सुना होगा, आजकल तो पूरे पिल सिटी में इसी के ही चर्चे हो रहे हैं। ये सुनकर जीएन अपना सिर खुजाने लगता है। तभी उन तीनों में से वो लड़का आगे आता है और जीएन से हाथ मिलाते हुए कहता है, भाई जीएन, मेरा नाम सॉन्ग क्विंग है और मैं रैंक 7 के हाई ग्रेड का एल्किमिस्ट हूँ। तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है और जहाँ तक मुझे लगता है तुम सच में एक बहुत ही काबिल एल्किमिस्ट हो। इस पर जीएन कुछ नहीं कहता है। तभी काविंग आगे आकर बताती है, जीएन, सॉन्ग क्विंग पिल टावर के फर्स्ट एल्डर का शिष्य है और वो अभी के लिए पिल टावर का सबसे यंगेस्ट एल्डर भी है। साथ ही साथ सभी को ये लगता है कि वो पिल टावर के 8 एल्डर में से सबसे यंगेस्ट एल्डर भी जल्द ही बन जाएगा। ये बात सुनकर जीएन भी हाँ में सिर हिलाने लगता है। वो भी इस लड़के की काबिलियत को देख पा रहा था। इधर अपनी तारीफ सुनकर कोंगजी के चेहरे पर तो कोई गर्व के भाव नहीं दिख रहे थे, पर उसकी आंखें गर्व से भर चुकी थीं, जो ये बता रही थीं कि उसे अपनी पावर और पोजीशन पर काफ़ी ज़्यादा गर्व था। पर पता नहीं क्यों जीएन को अंदर से ऐसा लग रहा था कि उसे इस लड़के से दूर रहना चाहिए। काविंग आगे आती है और लीडर कोंगजी को ग्रीट करते हुए कहती है, टीचर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। इस पर कोंगजी उन सभी को देखते हैं, इसके बाद वो कहते हैं, तुम सभी एक दूसरे से मिल चुके हो तो चलो काम की बात करते हैं। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आज से कुछ ही दिनों में पिल गैदरिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें अलग अलग जगह से एल्किमिस्ट आकर हिस्सा लेंगे और इस बार पिल गैदरिंग में पिल टावर का सबसे बड़ा दुश्मन हॉल ऑफ सोल भी हिस्सा लेगा। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और चौंक कर एल्डर कोंगजी को देखने लगते हैं। काविंग जल्दी से कहती है, हॉल ऑफ सोल भी इस बार हिस्सा लेगा। ये सुनकर लीडर कोंगजी मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, वो लोग भी इस बार ज़रूर हिस्सा लेंगे क्योंकि वो लोग भी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना चाहते हैं।
3000 बर्निंग फ्लेम को पिल टावर ने पिछले न जाने कितने सालों से कैद कर रखा है। ऐसे में अभी के लिए वो पिल टावर को अपना दुश्मन समझने लगी है। ऐसे में अगर गलती से भी वो अपने डायमेंशन से बाहर आई तो सबसे पहले पिल टावर को ही तबाह करेगी। 3000 बर्निंग फ्लेम हर रात तारों की शक्तियाँ सोखती है, इसलिए अभी के लिए उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पिल टावर चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर वो गलती से भी डायमेंशन से बाहर आई तो वो ज़रूर पूरे पिल सिटी को तबाह कर देगी और ऐसे में पिल टावर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है हॉल ऑफ सोल 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, और अगर वो इसे हासिल नहीं कर पाया तो वो 3000 बर्निंग फ्लेम पर चढ़ी सील तोड़ देगा। उसके ऐसा करते ही 3000 बर्निंग फ्लेम आसानी से उसके डायमेंशन से बाहर आ जाएगी और पूरे पिल सिटी को तबाह करने की कोशिश करेगी। उस दौरान हम लोग चाहकर भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर काविंग आगे आकर कहती है, क्या हम उन लोगों को मुकाबले में हिस्सा लेने से रोक नहीं सकते हैं? इस पर लीडर कॉन्गजी कहते हैं, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना पिल टावर के रूल्स के अगेंस्ट होगा। पिल टावर का रूल है, अगर कोई एल्केमिस्ट पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने की काबिलियत रखता है तो भले ही वो पिल टावर के दुश्मन दल से ही क्यों ना आता हो, पिल टावर उसे हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता है। ये भले ही पिल टावर का रूल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर इस वजह से पिल टावर को काफ़ी बार कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, पर इसी रूल की वजह से पिल टावर आज उस ऊंचाई पर पहुंच पाया है जिस पर वो आज है। ये सुनकर वो चारों बस अपना सिर हिलाने लगते हैं। इधर लीडर कॉन्गजी कहते हैं, तुम लोगों को कोशिश करनी है 3000 बर्निंग फ्लेम किसी भी तरह हासिल करने की, और अगर तुम लोग उसे हासिल ना कर पाओ तो तुम्हें कम से कम हॉल ऑफ सोल को उसे हासिल करने से रोकना है। कुछ भी हो जाए पर हॉल ऑफ सोल उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल ना कर पाए, ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी के लिए पिल गैदरिंग को शुरू होने में कुछ दिन है, इसलिए अभी के लिए तुम सभी पिल टावर में ही रुको और यहीं पर प्रैक्टिस करो। अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो कोई भी तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा और तुम लोग सेफ रहोगे। ये सुनकर वो चारों अपना सिर हिला देते हैं। तभी लीडर कॉन्गजी जियान के पास आते हैं और उससे कहते हैं, जियान, मैंने सुना है तुम्हें काविंग की सोल टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं तुम्हें सोल टेक्निक देता हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपना लेवल बढ़ाओ। ये कहकर लीडर कॉन्गजी जियान को एक कागज़ दे देते हैं, एक स्क्रोल दे देते हैं। जियान ध्यान से उस स्क्रोल को खोलता है और उसे पढ़ता है। उसे पढ़कर जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लीडर कॉन्गजी उन चारों से कहते हैं, खैर अभी के लिए काफ़ी बातें हो गई, तुम लोग जाओ और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। किसी भी तरह खुद को इतना बेहतर बना लो कि किसी भी तरह हॉल ऑफ सोल तुम में से किसी को हरा ना पाए। ये सुनकर वो चारों हाँ में सिर हिला देते हैं और उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। चारों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी काविंग जियान के पास आती है और उससे कहती है, जियान, चलो हम साथ में चलते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर जियान चौंक जाता है और पूछता है, किस तरह की ट्रेनिंग? तो वो कहती है, सोल टेक्निक की ट्रेनिंग। ये सुनकर जियान के मन में हाँ बोलने की इच्छा तो आती है, लेकिन तभी वो सॉन्ग क्विंग को देखता है जिसके चेहरे पर अभी के लिए गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। जियान उसे देखने के बाद मन ही मन सोचता है, अभी के लिए मुझे अपने लिए एक नया दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। ये सोचकर जियान काविंग से कहता है, मुझे अभी कुछ और काम है, हम फिर कभी और प्रैक्टिस करेंगे। ये कहकर जियान वहाँ से चला जाता है। काविंग जियान को वहाँ से जाते हुए देखती रहती है। इधर सॉन्ग क्विंग जल्दी से काविंग के पास आता है और उससे कहता है, काविंग, चलो हम दोनों साथ चलकर सोल टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। मगर काविंग उस पर ठीक से ध्यान भी नहीं देती है। इधर जियान वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है और उस स्क्रोल को खोलकर उसे फिर से ध्यान से पढ़ने लगता है। इस बार जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ इस स्क्रोल को पढ़ रहा था, इसलिए वो काफ़ी डिटेल में इसे जान पा रहा था। काफ़ी देर तक स्क्रोल को पढ़ने के बाद जियान को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई थी। सोल टेक्निक भी बाकी की डाउट टेक्निक की तरह चार क्लास में बटी हुई थी। अभी के लिए जियान के पास जो सोल टेक्निक थी वो क्लास 2 की हाई ग्रेड टेक्निक थी। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल तो नहीं थी, पर बेकार भी नहीं थी। अगर जियान इसे सीख लेता तो ये जियान के काफ़ी ज़्यादा काम आती। ये वही टेक्निक थी जो काविंग के पास थी, लेकिन इस टेक्निक की खास बात ये थी कि इसमें तीन तरह की सील्स बताई गई थी। काविंग से जियान ने बस एक तरह की सील बनाना सीखा था, बाकी की दो तरह की सील्स के बारे में जियान को पहले कोई नॉलेज नहीं थी।
पर स्कूल को पढ़ने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गई थी। जियान थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है, जिसके बाद वो ट्रेनिंग में लग जाता है। जियान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथों पर इकट्ठा करने लगता है और उसे लगातार सील बनाने लगता है। जियान काफ़ी घंटों तक सील बनाता रहता है। इस दौरान उसकी सील बनाने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी अचानक से जियान को अपने दिमाग में एक मंत्र गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है, जो वही मंत्र था जो जियान को सोल एनहेंसिंग पाउडर से मिला था। अभी के लिए जैसे जैसे वो मंत्र जियान के दिमाग में गूंजता जा रहा था, जियान के माथे पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होती जा रही थी और जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ इससे जियान की सील बनाने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब जियान महसूस कर सकता था कि वो काफ़ी कम स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ भी काफ़ी अच्छी सील बना सकता है और अपने दुश्मन पर हमला कर सकता है। जियान फिर भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। टाइम बीतता जाता है। न जाने जियान को कितने दिन बीत गए थे ट्रेनिंग करते करते, पर जियान अभी भी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। इधर दिन बीतने के साथ साथ फिल गैदरिंग भी पास आती जा रही थी। इस कारण फिल सिटी में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। अभी के लिए लाखों की संख्या में एल्केमिस्ट फिल सिटी में मौजूद थे, जो ऑब्वियसली फिल गैदरिंग के लिए आए थे। सभी लोग फिल गैदरिंग में हिस्सा लेकर अपना नाम पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में फैलाना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते तो उनका आगे का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता और काफ़ी सारे क्लाइंट्स उन्हें अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते। ऐसे में उन्हें रिसोर्स की भी बिल्कुल कमी नहीं होती और अगर कोई टॉप 10 में से एक बन जाता तो उसे फिल टावर में लीडर बनने का ऑफर भी मिल सकता था। ऐसे में सभी लोग अभी के लिए फिल कॉम्पिटिशन के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे। फिल सिटी में भीड़ बढ़ने के साथ साथ फिल टावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उनके लिए अभी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो लोग अपनी पूरी जी जान लगाकर सभी चीज़ें आखिर में मैनेज कर ही लेते थे। ऐसे फिल टावर को इतना ज़्यादा ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया था, वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। बहुत से बड़े बड़े क्लैंस ने अभी के लिए अपने एल्केमिस्ट फिल गैदरिंग के लिए भेजे थे, ताकि उनके क्लैन का नाम पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में फैल सके और उनके क्लैन की पावर बढ़ सके। फिल गैदरिंग में हर तरह के एल्केमिस्ट हिस्सा लेने वाले थे, बड़े बड़े क्लैंस के एल्केमिस्ट, ऐसे एल्केमिस्ट जो कभी किसी क्लैन का हिस्सा नहीं बने और ऐसे एल्केमिस्ट भी जो पहली बार फिल गैदरिंग में हिस्सा लेने वाले थे। और कुछ ऐसे एल्केमिस्ट भी थे जिनके बारे में तो लोग बहुत ही कम जानते थे। ऐसे में फिल गैदरिंग सभी के लिए अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी थी। सभी लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। अलग अलग क्लैंस के लीडर भी अभी के लिए फिल सिटी में आए थे, ताकि वो अपने क्लैन का टैलेंट देख सकें। इस बार हॉल ऑफ सोल भी फिल गैदरिंग में हिस्सा लेने वाला था, इसलिए फिल टावर के लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो लोग हर दिन काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे अगर गलती से भी 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथों में लग गई तो इससे फिल टावर को इतना बड़ा नुकसान होगा जिससे फिल टावर कभी उभर नहीं पाएगा। इसलिए वो हर दिन हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखते थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छी तरह से पूरा कर रहे थे। पर इन सभी से दूर एक लड़का अभी के लिए एक कमरे में बैठा हुआ था। उसे न जाने कितने दिन बीत गए थे ट्रेनिंग करते करते। अब आज का दिन आखिरी दिन था और कल फिल गैदरिंग शुरू होने वाली थी। अचानक से वो लड़का अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर से पावरफुल एनर्जी निकलती है जो चारों तरफ फैल जाती है। वो लड़का अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड अभी के लिए ख़त्म हो जाता है।